हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहित गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल क्रैक कंपटीशन। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आए हैं एक लेटेस्ट न्यू जॉब वैकेंसीज जो कि स्टेनोग्राफर पोस्ट पर रखी गई है, साथ ही में आपकी असिस्टेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रखी गई है। हालांकि हर वीडियो में हम प्रयास करते हैं कि एक अच्छी स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज लाते रहें, ऑल ओवर इंडिया से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के हम लाते रहते हैं। तो जो आज की जो वैकेंसीज हैं स्टेनोग्राफर में इंग्लिश लैंग्वेजेस पर आपकी रखी गई है, साथ ही में आपकी असिस्टेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रखी गई है। तो ये दोनों पोस्ट की डिटेल में एलिजिबिलिटी रखेंगे, कहाँ पर निकली है क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दूंगा, और कितनी वैकेंसी है, लास्ट डेट क्या है, क्या फीस रखी गई है, सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो एंड तक वीडियो को कंप्लीट देखना है। साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करना, जिससे कि हम आप सभी के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट वैकेंसी के माध्यम से आप सभी के लिए लाते रहें और आप अपना सिलेक्शन ले सकें किसी भी एक वैकेंसी में, यही हमारा प्रयास रहता है। तो बिना देरी किए हम बात करते हैं रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आप एप्लीकेशन देना चाहते हो तो मास्टर डिग्री आपने कंप्लीट कर रखी हो और उर्दू एज ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, 2 या 3 ईयर्स का जो भी आपने कोर्स कर रखा हो। और सीनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, 12th पास आपकी मांगी गई है, 100 वर्ड पर मिनट आपकी शॉर्टन आनी चाहिए इंग्लिश में, और टाइपिंग जो है ना 40 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। अगेन बता रहा हूँ मैं आपको, डिजायरेबल में 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है स्टेनोग्राफर का किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। अगर नहीं भी है तो कोई कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल में इच्छुक होता है, और है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई नहीं, एप्लीकेशन दे सकते हो। हालांकि वैकेंसी डिटेल्स की बात करें रिसर्च असिस्टेंट की, तो टोटल एक पोस्ट जनरल की है, एक ओबीसी की है। स्टेनोग्राफी में बात करें तो एक पोस्ट आपकी जनरल की है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें आपके मांगे गए हैं, वेबसाइट बता दूंगा कहाँ से अपने एप्लीकेशन देने हैं इसके लिए। एज लिमिट मैक्सिमम 35 साल रखी गई है रिसर्च असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफी के लिए 18 से 27 साल रखी गई है। ऑनलाइन अप्लाई इसमें आपको करना होगा, बता देता हूँ डिपार्टमेंट कहाँ रखा गया है, और न्यू दिल्ली की वैकेंसी है, अच्छे खासा स्टेट है, अच्छी खासी सैलरी आपको इन हैंड इसमें देखने को मिलने वाली है। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपकी न्यू दिल्ली में जॉब वैकेंसीज निकल चुकी है स्टेनोग्राफर पोस्ट रिलेटेड। और फीस की बात करें तो आपकी जो है मैक्सिमम जो फीस रखी गई है 500 रुपीज़ की फीस पेमेंट रखी गई है। एप्लीकेशन किस वेबसाइट पर देना है, उर्दू काउंसिल .NIC की रिक्रूटमेंट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही हमारे सब ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और विद इन 30 दिन के दौरान अपना फॉर्म फिलअप इस रिक्रूटमेंट के लिए कर सकते हो, बिना देरी किए इस वैकेंसी के 30 दिन तक फिलअप कर सकते हो। हालांकि जो इसके फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो ऑलमोस्ट 10 अक्टूबर से इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, तो 10 अक्टूबर से जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इस रिक्रूटमेंट के एलिजिबल दे सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और 30 दिन तक फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। कोई कन्फ्यूज रहती है कमेंट बॉक्स में सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को।